आज ही के दिन 1921 में मशहूर व्यंग चित्रकार आर के लक्ष्मण का जन्म हुआ था। अपने कार्टूनों के जरिए आर के लक्ष्मण ने आम आदमी को एक व्यापक स्थान दिया और उसके जीवन की मायूसी, अंधेरे उजाले, खुशी और गम को शब्दों और रेखाओं की मदद से समाज के सामने रखा। लक्ष्मण के बड़े भाई आर के नारायण मशहूर कथाकार और उपन्यासकार थे। आर के लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए भी चित्र बनाए जो हिंदू समाचार पत्र में छपे। उसके बाद लक्ष्मण राजनीतिक स्थितियों पर कार्टून बनाते हुए निर्भीक व बेबाक पत्रकार के रूप में मशहूर हुए। 1951 में इनका चित्रित कॉमन मैन का कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पृष्ठ पर यू सेड इट के शीर्षक के साथ छपा था और आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया सम्मानपूर्वक लक्ष्मण के कार्टूनों को छापता है। डाक विभाग ने कॉमन मैन पर 1988 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। 2001 में पुणे में कॉमन मैन की 8 फीट की एक प्रतिमा लगाई गई थी। टनल टू टाइम, द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज, द एलोक्वेंट ब्रश, द मैसेंजर, होटल रिवियरा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया आदि इनके बेहतरीन कार्टून हैं। आर के लक्ष्मण को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति के सबसे बड़े तंत्र की स्थापना 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था और इसका जिक्र 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में किया गया था। दरअसल प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1929 में राष्ट्रसंघ का गठन किया गया, जो प्रभावशाली नहीं हो सका और दूसरा विश्वयुद्ध हो गया। दूसरे विश्वयुद्ध के खत्म होने पर 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। यहाँ मौजूद 50 देशों की सरकारों और कुछ गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर सहमति जताई। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों फ्रांस, चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था। आज के दिन 1991 में मशहूर उर्दू साहित्यकार इस्मत चुगताई का निधन हुआ था। इन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से उठाया और पुरुष प्रधान समाज में उन मुद्दों को चुटीले और संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम भी उठाया। आलोचकों के अनुसार इस्मत चुगताई ने शहरी जीवन में महिलाओं के मुद्दों पर सरल, प्रभावी और मुहावरेदार भाषा में ठीक उसी प्रकार से लेखन कार्य किया है जिस प्रकार से प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में देहात के पात्रों को बखूबी उतारा है। लिहाफ, टेढ़ी लकीर, एक बात, कलियां, जंगली कबूतर, एक कतरा एक खून, दिल की दुनिया, बहरूप नगर, छुई मुई आदि इनकी नायाब रचनाएं हैं। इनकी 1944 में लिखी गई उपन्यास टेढ़ी लकीर ऐसे परिवारों पर व्यंग्य है जो अपने बच्चों की परवरिश में कोताही बरतते हैं और नतीजे में उनके बच्चे प्यार को तरसते, अकेलापन को झेलते एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ जिस्म की ख्वाहिश ही सब कुछ होती है। इस्मत चुगताई ने टेढ़ी लकीर के जरिए समलैंगिक रिश्तों को एक रोग साबित करके उसके कारणों पर नजर डालने पर मजबूर किया, लेकिन तब के लोगों ने उनकी बातों को लेकर उनका विरोध किया, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्होंने अपने किरदार के जरिए यह बताया कि एक बच्चे का अकेलापन, प्यार से महरूम और उसको नज़रअंदाज करना किस तरह एक बीमारी का रूप ले लेता है। इस्मत चुगताई को गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, नेहरू अवार्ड समेत कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया। आज ही के दिन 2003 में सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। 27 वर्ष सेवा में रहने के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने मुनाफा ना होने पर सेवा बंद करने का फैसला लिया था। हॉलीवुड अदाकारा जॉन कॉलिंस ने इस निर्णय को बहुत दुखदायक बताया, क्योंकि जॉन कॉलिंस कॉनकॉर्ड पर 10 बार सवारी कर चुकी थी और वो आखिरी उड़ान में भी विमान पर सवार थी। सुपरसोनिक का पहला विमान पेरिस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 113 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ही टिकटों की बिक्री गिरने लगी थी।